अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हसनैन अली फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाजिर है सच बोल के जियो के साथ। तो आज हम आए हुए हैं राव ज़ीशान साहब के जिम में, जो कि एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, मॉडल हैं, एक्टर्स हैं। इनका तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, इनका एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह से। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी इनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो हम आपको ले कर चलते हैं और उनका तारुफ भी करवाते हैं, उनसे मिलवाते भी हैं और देखते हैं कि जिम में किस तरह की जो है वो अपने यूज़र को फिटनेस की जो है ट्रेनिंग्स दे रहे हैं और किस तरह जो है यूज़र को जो है वहाँ पे सिखाया जाता है और किस तरह एक आम आदमी जो है वहाँ पर आकर जिम में किस तरह फिटनेस पे अपनी तवज्जो देता है और किस तरह ये इनको ट्रेनिंग देते हैं। तो चलें आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ीशान साहब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। और माशाल्लाह ये जिम आपका बहुत खूबसूरत है और ये आज हम हाजिर हैं राव ज़ीशान साहब के साथ। ये माशाल्लाह से एक इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया और शोबिज़ की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े मॉडल हैं और माशाल्लाह एक फ़नकार हैं। इनको किसी इंट्रोड्यूस की ज़रूरत नहीं है, ये माशाल्लाह ख़ुद एक सेलिब्रिटी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपना एक छोटा सा जो ड्रीम था वो भी कम ट्रो पूरा करके दिखाया और हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह लोगों को जो है फ़िटनेस की जो है तरबियत दी जाती है और जो है किस तरह यहाँ पर जो है एक आम आदमी आके अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन करता है और किस तरह उसको डाइट दी जाती है। तो हम जानते हैं राव साहब से इस बारे में और ये हमें बताएंगे। अच्छा राव साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने अपने इस जिम में जो है कितनी फ़ीस रखी हुई है, जो कि एक मिडिल क्लास लोअर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का जो आपका जिम ज्वाइन करे तो वो किस तरह जो है अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, आप उसको किस तरह जो है ट्रेन करेंगे, थोड़ा इस बारे में बताएं। हमारे व्यूवर्स को जानना चाहते हैं कि राव साहब जो है अपने जिम में जो है लड़कों को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अली भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे जिम में विज़िट किया आपने। और रही आपका बहुत अच्छा सवाल, ये है कि आया कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से कोई जिम आना चाहे कि वो मेरे जिम में आ सकता है नहीं आ सकता? ऑफकोर्स आ सकता है, क्योंकि वजह ये है कि हमने जो यहाँ पे जो फ़ीस रखी है ना, एक हमने रखी है लो फीस, मतलब यहाँ पे कोई भी आके लड़का और अपनी वर्कआउट इजीली कर सकता है। अच्छा राव साहब, आपने कितनी फ़ीस रखी हुई है मैक्सिमम के एक बंदा आपके पास आ रहा है तो उसको किस तरह जो है पता चले कि आपके जिम में इतनी फ़ीस है? हमारी व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि उनको आपने कितनी फ़ीस रखी हुई है कि मैक्सिमम जो है वो यहाँ आके जो है पार्टिसिपेट कर सके। देखें, सबसे पहले ये है कि जिस तरह हमने माहौल दिया हुआ है और उसमें हमने दिया हुआ है 1500 रुपये एडमिशन है हमारा और 1000 रुपये मंथली फ़ीस है, 1000 मंथली फ़ीस है और 1500 आपका एडमिशन होगा उसमें। तो ये है कि सबसे लोअर फीस हमने यहाँ पे रखी है, बट कुछ कस्टमर्स या कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनको शौक होता है, उनमें एक जज्बा होता है कि नहीं यार हमें वर्कआउट करनी है, तो फिर मैं उसमें हम कम भी कर देते हैं। स्टूडेंट जो हैं, जो हमारे 9th 10th क्लास के मैट्रिक के तालबात हैं और 11th एंड 12th इंटर के जो तालबात हैं, उनके लिए कोई स्पेशल सा आपने पैकेज बना के रखा है, कोई डिस्काउंट है? जी बिल्कुल रखा है, उनके लिए बिल्कुल हमने एडवांस फ्री किया हुआ है कि वो आए, वो अपने इसी मंथली फ़ीस यहाँ सबमिट करवाए और अपनी यहाँ पे वर्कआउट करें, उनके लिए हमने एडमिशन फ़ी कुछ भी नहीं रखी हुई। अच्छा राव साहब, आपसे ये एक चीज़ और जाननी है, जैसे आप जो है शोबिज़ की फील्ड में ताल्लुक़ रखते थे और आपने काफ़ी टाइम जो है उसमें मॉडलिंग की है, अभी भी माशाल्लाह आप मॉडलिंग कर रहे हैं, तो अचानक से आपको ऐसा क्या मतलब दिमाग में आया कि आपको लगता है कि आपने जो है जिम की तरफ जो है रागिब हुआ है और माशाल्लाह इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपने हासिल भी करी है, तो इसके बारे में भी हमारे व्यूवर्स को कुछ बताएँ आप? हाँ बिल्कुल, देखो ये मेरा एक शौक़ था कि एज़ अ फिटनेस मॉडल के आपके एज़ अ प्रोफेशनल में आपके लिए लाइफ में क्या चेंजिंग आ सकती है एज़ अ ट्रेनर। और जब मैं समझ लें कि जब मैं वर्कआउट करता था तो मेरे माइंड में ये था, मैं दोस्तों को देखता था, अपने लड़कों को देखते कि नशे में लग रहे हैं वो और गलत कामों में लग रहे हैं, उनका रुझान नहीं है वर्कआउट में, फ़िटनेस में उनका रुझान नहीं है, वो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि तंबाकू खाना, दीगर चीज़ें,
तो मेरा जब से रुझान ज़्यादा हुआ कि यार अपनी लाइनिंग कुरंगी को प्रमोट करने के लिए मैं ऐसा कोई जिम डेवलप करूँगा, ऐसा जिम बनाऊँगा कि यार जो लड़के ऐसे आना चाहें वो लाजमी मेरे जिम में आए, और ये मेरा शुरू से शौक था कि ये मुझे लाजमी ही करना है। तो व्यूवर्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, राव साहब ने यहाँ बहुत अच्छी एक बात करी है कि हमारे लांडी कुरंगी में जो है ज़्यादातर लोग जो है नशों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है फिटनेस पे तवज्जा नहीं दे सकते वो लोग। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी है आप लोगों के लिए, तो आप आएँ और यहाँ आके आप अपना मुस्तकबिल और अपनी ज़िंदगी को सक्सेस बनाएँ, फिटनेस की तरफ तवज्जा दें। तो यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम आपको पैकेजेस मिलेंगे, और आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से भले ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन आपको इस जिम में उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्या कहते हैं राव साहब? बिल्कुल बिल्कुल 100%, हाँ बिल्कुल राइट कह रहे हो अपनी बात को, कि अच्छी बात है कि अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेल करें, और अच्छी बात है कि यहाँ पर आए अपनी यहाँ फिटनेस पे फोकस रखें और जो गलत कामों से ये दूर रहें। आपको जो है दिखा रहा हूँ कि राव जिशान जो है अपने जो है क्लब में यूज़र्स को जो है ट्रेनर्स को किस तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑनर होकर, और ये किस तरह जो है इसका जो है फ़ायदा उठा रहे हैं लड़के। तो आप देखें राव साहब को किस तरह ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी राव साहब, ये जो है लड़का किस तरह ट्रेन हो रहा है, कितना टाइम हो गया इसको यहाँ पे? इसको माशाल्लाह से 1 ईयर हो गया है, और पहले ये दूसरे जिम में इसको मैं ट्रेनिंग करवाता था, तो ये जब से माशाल्लाह अपना जिम ऑन किया है मैंने अपना, तो उसको अपने पास बुला लिया मैंने। तो ये अच्छा, ये राव साहब के जो है फिटनेस क्लब में जो है ज्वाइन हुए हैं, और यहाँ पे जो है बहुत अच्छे माशाल्लाह बिल्डअप कर रहे हैं अपनी लाइफ को और फिटनेस पे बहुत ज़्यादा तवज्जा दे रहे हैं। तो इनसे जानते हैं इन्होंने अपने ऊपर कितनी तवज्जा दी है और क्या क्या इन्होंने यूज़ किया है, किस तरह अपनी डाइट रखते हैं और किस तरह इन्होंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करा है। जी सर, आप बताएँगे थोड़ा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल समद है, यहाँ पर पिछले 1 साल से मैं राव भाई के जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ। माशाल्लाह से नेचुरल डाइट ही देते हैं, स्ट्रॉइड इस तरह की कोई चीज़ नहीं देते हैं। नेचुरल डाइट मतलब क्या क्या आप लेते हैं अपनी डाइट में, तो थोड़ा सा बताएंगे यूज़र्स को? यानी कि नॉर्मल आप डाइट लें, इसमें आप नट्स ले सकते हैं, बादाम ले लें आप, और अगर आपको वेट थोड़ा लूज़ रखना है तो ग्रीन टी वगैरह ले सकते हैं आप, और नाश्ते में बॉयल एग्स वगैरह लें आप। इस तरह की नेचुरल डाइट्स अगर आप ये लेंगे तो इससे आपकी बॉडी रहेगी अच्छी। तो आप अभी अपना वेट लूज़ कर रहे हैं या फिर अपना वेट जो है बढ़ाना चाह रहे हैं आप? मैंने अभी अपना वेट लूज़ किया है नहीं कि जिम में। अच्छा। मेरा तकरीबन 86 केजी वेट था जब मैं यहाँ पे आया था, और अब मेरा 71 हो गया है माशाल्लाह। वेरी गुड वेरी गुड। नाजिन देख रहे हैं आप, राव साहब ने जो है इनका 82 वेट को जो है 71 वेट कर दिया है, और वो भी है, और माशाल्लाह से जो है यहाँ पे बहुत अच्छी जो है फिटनेस की जो है ट्रेनिंग दी जा रही है राव साहब की मेज़बानी में। तो देख सकते हैं राव जिशान साहब जो है यहाँ पे खुद भी जो है फिटनेस करना शुरू हो गए हैं। तो हम इस वीडियो को जो है बिल्कुल अब इसको यहाँ अख्ताम तक लेके आते हैं, और आपको इनका आखिरी जो है बात का जो है मतवज्जा करवाते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं। अच्छा जिशान भाई, मुझे ये बताएं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके जिम में आके, आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। तो हमारे यूज़र्स को ये भी बता दें कि आपका जो ड्रीम है इसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है, और आप माशाल्लाह से इस अपॉर्चुनिटी में आज अल्लाह पाक ने आपको तरक्की दी है, और हम अल्लाह पाक से ये दुआ करेंगे अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे, और माशाल्लाह से जो है आप इसके बारे में थोड़ा सा जो है व्यूअर्स को बताएं। सबसे पहले तो मुझे जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, सबसे पहले मेरे माँ बाप की दुआएं कि उनकी बदौलत आज मैं ये मकाम पूरा हासिल करा अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक मेरे माँ बाप की दुआएं सबसे पहले, उसके बाद माँ बाप की दुआओं के बाद फिर मेरे उस्ताद हैं जिम के, नौवीं फिटनेस जिम। तो नौवीं अच्छा, नौवीं फिटनेस जिम ये अलग है? बिल्कुल वो अलग है, उनका अलग जिम है और मेरा अलग अलग जिम है। वो मेरा मेंटोर है नौमी भाई होगा है, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इफ्ती भाई होगा है। अच्छा इफ्ती भाई, इफ्ती खान जो हैं, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने वो मैं समझ लूँगा वो मेंटोर है मेरे, वो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर हाल में सपोर्ट किया, बुरे वक्त में सपोर्ट किया, अच्छे वक्त में सपोर्ट किया उन्होंने, मतलब उनसे मैंने बहुत चीज़ सीखी है कि आज उन्होंने इतनी हेल्प करवाई जिम के अंदर मेरे कि एक नेक्स्ट लेवल बोल सकते हैं हम उसको, नेक्स्ट लेवल करवाई उन्होंने मेहनत। बहुत शुक्रिया, आपने राव जिशान साहब की जो है पॉइंट ऑफ व्यू जाने व्यूवर्स, और आपने देखा है कि माशाल्लाह उन्होंने किस कदर जो है मेहनत करी है इसमें, और आज उस मुकाम पे खड़े हैं, अल्लाह पाक इनको और तरक्की दे। तो खुदा हाफिज़।